A very good morning to all my dear students. I am Jyoti Gautam from Kendriya Vidyalaya Panna. Welcome you all to the online classes organized by the Regional Office Jabalpur. In our previous lecture, my dear students, we have discussed about the heat chapter, the transfer of heat, the different types of thermometers. So in today's session, we'll be discussing the most important questions which are important for your exam point of view. So let's get started. Yes, moving on to our question number one. Our question number one says, in a mercury thermometer, the level of mercury rises when its bulb come in contact with a hot object. Then what is the reason for the rise in the level of mercury? Yes, like I have already mentioned in my previous lecture कि जब भी हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, what will happen? कि जैसे ही जो मर्करी का है लेवल वो कब राइज होता है, जैसे ही वो जो बल्ब है जिसमें मर्करी है, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है जिसमें मर्करी फिल होती है, वो जैसे ही किसी भी हॉट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है, वो क्या होता है, उसका मर्करी का लेवल राइज हो जाता है. तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मर्करी हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आते ही लेवल उसका इंक्रीज हो आता है और वो हमें अपनी रीडिंग शो करती है. तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यस, एज मर्करी इज़ अ लिक्विड, और लिक्विड्स की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि लिक्विड जो है वो क्या होती है, अगर कोई भी लिक्विड है अगर वो हॉट हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपैंड होता है. ठीक है, वो अपनी वो साइज़ में एक्सपैंड हो रहा है, वो फैल रहा है. तो सिमिलरली यहाँ थर्मोमीटर के केस में क्या हो रहा है कि जो बल्ब में मर्करी फिल है, जैसे ही वो एक हॉट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ रही है, ठीक है, कि किसी सपोज़ किसी पर्सन को फीवर है और उसने अपना टेम्परेचर उससे मेजर किया, तो कंपैरेटिवली रूम टेम्परेचर कंपैरेटिवली उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है. सो व्हाट विल हैपन, जो मर्करी लिक्विड स्टेट में है वो एक्सपैंड हो जाएगी गर्म होते ही, और हमें जितना भी टेम्परेचर होगा उतना एक्सपैंड होकर एक पतले थिन लाइन के फॉर्म में हमें अपने थर्मोमीटर में दिखेगी, सिल्वर लाइन के फॉर्म में, और वो हमें शो करेगी कि हमारा टोटल कितना टेम्परेचर है, उस फीवर वाले पर्सन का कितना टेम्परेचर है. सो द करेक्ट आंसर इज, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन एक्सपेंशन इन द मर्करी टेक्स प्लेस विच लीड्स टू द राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट, कि मर्करी जो है वो थर्मोमीटर में कैसे वर्क करती है, एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से. देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, द शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक यूजली कवर देम विद जूट सैक. हाँ, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो गनी बैग्स यूज़ करते हैं, बोरी यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा कि जो आइस वेंडर्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े यू नो टुकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, उन आइस की जो सैक्स होते हैं बेसिकली, उनको किससे कवर करके रखते हैं, उनको गनी बैग्स या जूट की बोरियों से कवर करके रखते हैं. उसका रीज़न पूछा है, ऐसा क्यों होता है. सी, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक हमने पढ़ा है इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट और एक हमने पढ़ा है कंडक्टर्स का, अगर मैं हीट की बात करती हूँ तो. सो कंडक्टर्स क्या है, यहाँ पे हम पहले फटाफट से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट. हीट के कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस और दोज मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. क्या होते हैं, जो हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं. ठीक है, एंड इसीलिए दैट्स वाई दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स. मूविंग ऑन टू द, जिनको हम बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं या फिर इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम. वो सब्सटेंसेज जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते, उनको हम क्या बोलते हैं, हीट के इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अब हमारा जो क्वेश्चन है ये, इसका आंसर इसी कॉन्सेप्ट में है. अब जो आइस का जो सैक है जिसको जूट बैग से या गनी बैग से कवर किया हुआ है, उसका मेन रीज़न क्या है, हमने देखा है कि जो बोरी होती है गनी बैग या आइस जो जूट सैक होता है उसमें बेसिकली क्या है, उसमें पोर्स होते हैं काफ़ी सारे. ठीक है, तो जब हम उसको कवर करते हैं तो उन पोर्स के थ्रू जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है. ओके, वो जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है. एंड वी ऑल नो कि जो एयर है इट इज़ अ बैड कंडक्टर, यानी कि एयर क्या है, हीट की इंसुलेटर है, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर. ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है कि जो एयर है वो क्या है, एयर इंसुलेटर है, और वो क्या करेगी, वो एक्सटर्नल हीट को अलाउ नहीं करेगी, मतलब जो इन्वायरमेंटल हीट है वो उसको क्या करेगी, अलाउ नहीं करेगी अपने थ्रू पास होने में. और उसके रीज़न की वजह से क्या है, जो आइस है, आइस का जो ब्लॉक है वो ठंडा ही रहेगा और वो जल्दी से उसकी मेल्टिंग नहीं होगी. दिस इज़ द रीज़न. और अगर हम नॉर्मली आइस के जो आपका ब्लॉक है बड़ा, उसको ऐसे ही रख देते हैं, तो कंपैरेटिवली उसकी मेल्टिंग की प्रोसेस क्या होगी, फास्ट. एक बार इस आंसर को देख लेते हैं. As we all know that the jute sack is a thermal insulator, it help ice not to get melt immediately.
यस द बैग कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फाइन पोर्स विच आर फिल्ड विद एयर. यस बिल्कुल, उसमें क्या होता है, एयर फिल्ड होती है एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो ड्यू टू दिस रीजन इट डज नॉट अलाउ द एक्सटर्नल हीट टू मूव इनसाइड एंड मेल्ट द आइस. तो रीजन वही है कि एयर जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और वो क्या करती है, वो आउटर इन्वायरमेंटल जो आपकी हीट है उसको, हीट के ट्रांसफर को रोकती है बेसिकली. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ हीट के जो हमारे तीन मेथड्स थे, तो वो बेसिकली क्या हो रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट में हिंड्रेंस कर रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट को रोक रही है. एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एयर वाला कॉन्सेप्ट है इसको कई क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये एयर वाला क्वेश्चन दो से तीन तरीके से पूछा आता है कि जहाँ पे जिसका आंसर यही बनता है कि एयर इन्वॉल्व है एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो वो रीजन है. देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा. ओके द रेडिएटर्स इन कार आर पेंटेड ब्लैक, वाई सो. यस, जो कार के रेडिएटर्स होते हैं वो ब्लैक पेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, वी ऑल नो कि लाइट कलर्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. सो सिंस द ब्लैक बॉडीज आर बेटर रेडिएटर्स, ब्लैक बॉडी क्या होती है, बेटर रेडिएटर्स होती हैं. सो इस रीजन की वजह से वो क्या करेगा, जितनी भी हीट है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करके रेडिएट करेगा. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि जो कार है उनका रेडिएटर्स क्या होता है, ब्लैक कलर का पेंट होता है. देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके इट सीम्स टू बी अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. टू कीप हर सूप वॉर्म द पहेली रैप्ड द कंटेनर इन विच इट वॉज कैप्ड विद अ वूलन क्लोथ. ठीक है, कैन शी अप्लाई द सेम मेथड टू कीप अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कूल, गिव रीजन. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपकी एनसीईआरटी में बूझू एंड पहेली का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो पहेली ने क्या किया, अपने सूप को गर्म रखने के लिए अपने सूप वाले कंटेनर को एक वुलन कपड़े से रैप कर दिया, उसमें लपेट दिया. अब क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या वो अपने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को ठंडा रखने के लिए भाई उसको वुलन कपड़े से रैप कर सकती है. इफ़ येस तो भी जस्टिफाई करना, इफ़ नो तो भी जस्टिफाई करना है. सी अभी मैंने आपको बताया था कि एयर वाला जो क्वेश्चन है वो दो तीन मेथड से आ सकता है, ये उसका सेकेंड क्वेश्चन है. अब यहाँ पे क्या है कि जो भाई वुलन क्लोथ्स होते हैं उनमें भी काफ़ी गैप होता है, उनमें भी काफ़ी स्पेसिंग होती है ना. उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी बेसिकली आपकी एयर ही ट्रैप हो रही है, उसमें भी आपकी एयर ट्रैप हो रही है. एंड वी नो कि जब एयर ट्रैप होगी तो वो किस तरह का एक्ट करेगी, वो एक्ट करेगी एज अ इंसुलेटर. कौन सा इंसुलेटर, एज अ थर्मल इंसुलेटर. लेट मी मार्क इट एज अ थर्मल इंसुलेटर. ठीक है, तो ये जो थर्मल इंसुलेटर है मतलब वो हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट से. ठीक है, थर्मल इंसुलेटर तो वो हीट को क्या करेगी, वो अलाउ नहीं करेगी, हीट का ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगी. तो जब गर्म सूप का कप है तो सूप के कप की जो हीट है वो बाहर अलाउ नहीं करेगा वो वुलन क्लोथ, तो वो क्या होगा, वो ठंडा नहीं होगा जल्दी. और जो कोल्ड ड्रिंक है अगर उसको रैप किया है पहेली ने, तो जो आउटर इन्वायरमेंट का जो हीट है उसको वो अंदर अलाउ नहीं करेगा, वुलन जो क्लोथ हमने यूज़ किया है. तो उस केस में भी क्या हो रहा है, उस केस में जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडी की ठंडी रहेगी. सो यस पहेली कैन अप्लाई यू नो दिस मेथड इन बोथ दी कंडीशंस. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इन अ कोस्टल एरिया इन विच डायरेक्शन शुड द विंडोज प्रेफरेबली फेस एंड वाई. बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन आपका आ गया कन्वेक्शन वाले कॉन्सेप्ट में से. आपको याद होगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे. कन्वेक्शन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था दैट इन कन्वेक्शन देर इज नो डायरेक्ट टच बट यस देर इज अ मीडियम. कन्वेक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट टच नहीं है बट ट्रांसफर ऑफ हीट में मीडियम का वहाँ पे प्रेजेंस होती है. कन्वेक्शन में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे लैंड एंड सी ब्रीज के. और लैंड ब्रीज वो कब हो रहा है, वो हो रहा है रात के टाइम पे. ठीक है, और सी ब्रीज कब हो रहा है, वो हो रहा है डे के टाइम पे. तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर हाउस कंस्ट्रक्शन करना है किसी कोस्टल एरिया में, किसी समुद्री इलाके के आसपास हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो विंडोज़ किस तरफ ओपन होनी चाहिए. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है दैट द विंडोज़ दे शुड बी प्रेफरेबली ओपन टूवर्ड्स द सी. जो सी का जो बीच है उस तरफ विंडो फेसिंग होना चाहिए, उस तरफ विंडो ओपन होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पर जो सी ब्रीज चलेगी, अगर विंडोज़ हमारी सी बीच की तरफ ओपन है, तो जो सी से चलने वाली ब्रीज है, सी से चलने वाली जो सी से लैंड की तरफ हवा चलती है जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, जो कि डे टाइम में होता है, जब वो सी ब्रीज चलेगी तो वो क्या होगा, वो ठंडी हवा विंडो के तरफ आएगी एंड प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से जो आपका जो वो हाउस होगा वो क्या होगा, वो कूल रहेगा. ओके सो विंडो शुड प्रेफरेबली ओपन टूवर्ड्स द सी बीच सो दैट द सी ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी
कीप्स द हाउस कूल ड्यूरिंग द डे टाइम. तो डे टाइम में हाउस क्या होगा, कूल होगा, किसकी वजह से, सी ब्रीज की वजह से. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. येस, द मर्क्यूरी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द माउथ, एक्सप्लेन व्हाई. वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो मर्क्यूरी का लेवल है, अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टर्स थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, तो जो मर्क्यूरी का लेवल है वो कम नहीं होता, वो इट वोंट फॉल डाउन. जब हम थर्मामीटर को माउथ से बाहर निकाल लेते हैं, जब हम उसको रीडिंग करते हैं, तो मर्क्यूरी का लेवल नीचे नहीं गिर जाता. क्यों? क्योंकि उसमें किंक प्रेजेंट होता है. ठीक है, आप सबने थर्मामीटर का अगर स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा अपने माइंड में, तो आपने देखोगे कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है. जब मैंने भी आपको डायग्राम बताया था, तो उसमें था कि वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, बल्ब के जस्ट ऊपर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको कि हम बोलते हैं किंक. एंड किंक का मेन फंक्शन क्या है, किंक का फंक्शन ही यही है कि इट वोंट अलाउ मर्करी लेवल टू मूव डाउनवर्ड्स इटसेल्फ, वो अपने आप मर्करी को नीचे आने नहीं देता. एंड यही रीज़न है कि हम डॉक्टर्स या जो भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वो टेम्परेचर मेजर करने के बाद क्या करते हैं, थर्मोमीटर को 2-3 बार जर्क करते हैं. जर्क करने का रीज़न यही है कि मर्करी का लेवल झटके से किंक के थ्रू नीचे आ जाए. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द किंक प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर, द मर्करी डज नॉट फॉल. ठीक है, यही रीज़न है कि ना तो वो अपने आप फॉल होता है, और ना ही ऐसा है कि वो लेवल अपने आप राइज हो रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन. यस, इफ़ अ पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर देन वाई डज इट कूल्स डाउन. बिल्कुल, ये हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है. इसको आप अपने घर पर भी एक बार छोटा सा एक्सपेरिमेंटल तौर पे देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सी क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी पैन है, फ्राई पैन है या कोई भी यूटेंसिल है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, कि कोई भी यूटेंसिल है, ठीक है, हमने उसको गैस पे, स्टोव पे रखा हुआ है, वो अच्छे से प्रॉपर हॉट हो गया, एकदम गर्म हो गया. उसके बाद हमने उसको स्टोव को ऑफ करके, गैस को ऑफ करके, फायर को बंद करके उसको साइड में रख दिया. व्हाट विल हैपन, क्या वो जो उसकी हीट है वो वो हमेशा उतनी ही मेंटेन रहेगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी. एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, आप उसको टच कर सकते हो. तो इसका रीज़न क्या है, वो कैसे ठंडा हो रहा है? इसका सिंपल सा रीज़न है कि वहाँ पे रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है. ठीक है, अब एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कब तक होता है. ट्रांसफ़र ऑफ हीट तब तक होता है जब तक जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या जिन दो मटेरियल के बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो जो पैन या यूटेंसिल है वो तब तक उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी, जो गर्म है तब तक हीट ट्रांसफ़र होगी जब तक इन्वायरमेंटल उस टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या नहीं हो जा रहा, हीट उसकी लेवल इक्वल नहीं आ जा रही. सो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, वो कूल डाउन हो जा रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. नेम द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. बिल्कुल, अब यहाँ पे हमारे 3 तरह के हीट के ट्रांसफर के मोड थे. द फर्स्ट वन था कंडक्शन. कंडक्शन में क्या था, देर इज अ नीड ऑफ बोथ डायरेक्ट टच एज वेल एज मीडियम. कंडक्शन में क्या था, डायरेक्ट टच भी जरूरी था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी जरूरी था, और मीडियम भी था. देन द सेकेंड मेथड कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या था, देर इज़ नो डायरेक्ट टच. कन्वेक्शन में देर इज़ नो डायरेक्ट टच, कोई डायरेक्ट टच नहीं था, लेकिन मीडियम था. अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो कि इसी इस क्वेश्चन का आंसर भी है. थर्ड हमारा क्या था मोड, थर्ड मोड था हमारा रेडिएशन, जिसमें ना तो हमारा डायरेक्ट टच कहीं इन्वॉल्व है. ठीक है, देर इज़ नो डायरेक्ट टच एंड नीदर देर इज़ नो वॉट, देर इज़ नो मीडियम रिक्वायर्ड. वहाँ पर मीडियम भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. चलो मूविंग ऑन टू, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इट्स ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग. यस, विंटर्स में आप एक मोटे सा कंबल ओढ़ रहे हो या फिर मोटा सा जैकेट पहन रहे हो. ठीक है, आपने एक मोटी सी जैकेट पहनी, आपको उतना इफेक्टिव वो नहीं लगेगी, लेकिन आपने एक वार्मर पहना, उसके ऊपर आपने एक स्वेटर पहना और उसके ऊपर आपने एक जैकेट पहनी, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगी. भले ही उन तीनों की विड्थ मिला करके उस अकेले जो आपने एक ब्रांडेड सी मोटी जैकेट पहनी उसके बराबर है भले ही उनकी विड्थ. ठीक है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा आपकी ठंड रोकने में, जहाँ पे आपने ज़्यादा लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स पहनी, ज़्यादा लेयर पहने, मतलब जहाँ पे आपने ज़्यादा क्लोथ्स पहने.
इसका सिंपल सा रीज़न क्यों है, इसका सिंपल ये हमारा क्वेश्चन ब्लैंकेट के उसमें भी आता है कि हमने एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ा है, तो एक मोटा ब्लैंकेट अगर हमने क्विल्ट, हमने एक मोटा क्विल्ट लिया है, मोटा ब्लैंकेट लिया है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हमने दो पतले पतले क्विल्ट लिए हैं। जो दो पतले क्विल्ट हैं वो कंपैरेटिवली हमें हीट ज़्यादा ठंड से, जो हमारा इन्वायरमेंट है चिलिंग इन्वायरमेंट, उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें हॉट रखने में हेल्प करेगा। इसका अगेन रीज़न ये है कि वही एयर वाला कॉन्सेप्ट कि जब हम ज़्यादा लेयर्स यूज़ करते हैं तो उनके बीच में क्या हो रही है, जो एयर है वो ट्रैप हो जा रही है, एंड जस्ट बिकॉज द एयर गेट्स ट्रैप इनसाइड द टू लेयर्स एंड एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ थर्मल इंसुलेटर ऑफ हीट, सो इट वोंट अलाउ हीट, इट वोंट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट अलाउ नहीं होती है, इंटरनली जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती और बाहर का जो ठंड है वो बाहर नहीं अंदर नहीं आ पाती, वाइस वर्सा भी सेम होता है। सो इसका आंसर क्या है, द मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग द विंटर कीप अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट अ वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज द एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द लेयर एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर एंड डज नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो एयर क्या करती है, हमारी जो बॉडी की हीट है उसको एस्केप आउट नहीं होने देती, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी वो वार्मथनेस बढ़ जाती है। तो ये एयर वाला जो क्वेश्चन है ये घूम घूम के आपके पास 3 बार आया है और इसी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जो मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने की हमेशा पॉसिबिलिटीज होती हैं और आता ही है इनफैक्ट। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई डू वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर। ऑफकोर्स ये तो होता ही है कि हम समर में भी प्रेफर समरिश कलर्स, हम लाइट कलर क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, हम समर में हम चाहते हैं कि हम वाइट कलर के कपड़े पहने, लेमन कलर के, बेबी पिंक, बिल्कुल हल्के हल्के कलर के कपड़े पहने, स्काई कलर के कपड़े पहने। क्या क्या समर्स में आप में से किसी भी स्टूडेंट का दिल करता है डार्क ब्लैक या डार्क रेड कलर का शर्ट या डार्क वो पहनने का? नहीं करता। क्यों? बिकॉज वो ऐसा लगता है कि वो चुभ रहे हैं, वो जो चुभने वाली फीलिंग आती है वो बेसिकली क्यों आती है, बिकॉज सी द डार्क कलर क्लोथ्स दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, वो बहुत अच्छे से हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लाइट कलर के क्लोथ्स है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, वो हीट को साथ के साथ रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो डार्क कलर के क्लोथ्स हैं वो हम विंटर में पहनना पसंद करते हैं ताकि हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो और हमें क्या हो, हमें वार्मनेस की फीलिंग आए, हमें गर्म फील रहे। लेकिन विंटर्स में हम समर्स में हम क्या प्रेफर करते हैं, हम समर्स में प्रेफर करते हैं कि हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहने ताकि हमें कूल फीलिंग मिले, हमें समरिश फीलिंग मिले, ठीक है। तो यही रीज़न है ताकि हम कंफर्टेबल फील करें, तो लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, उस हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और हमें नॉर्मल फील होता है। अगर डार्क पहनते हैं जिस दिन हमें उस दिन और ज़्यादा गर्मी फील होती है। ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हेयर इज़ अ स्मॉल न्यूमेरिकल फॉर ऑल ऑफ यू। ये आई थिंक ये टॉपिक हमने डिस्कस टच नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम आपसे एग्जाम में अगर कन्वर्जन के लिए पूछ लिया जाए कि डिग्री सेल्सियस में आप कुछ दिया हो और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, या फिर केल्विन में कुछ दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसका सिंपल सा एक आपका वो है कॉन्सेप्ट कि अगर हम केल्विन की बात कर रहे हैं तो केल्विन, 1 केल्विन किसके इक्वल आता है, वो आता है जो आपका डिग्री सेल्सियस है प्लस 273। अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फिर सपोज आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है डिग्री सेल्सियस में दी हुई, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इथाइल अल्कोहल बॉयल्स एट 78.5 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेस एट -117 डिग्री सेल्सियस अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm, atm इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। देन कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन टू केल्विन स्केल। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकेंड, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन में ये जो 78.5 दिया हुआ है और 117 -117 दिया हुआ है, इन पर फोकस करना है, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, अब आपको इस वाले को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में और इस वाले को भी करना है डिग्री सेल्सियस में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको गिवन हो उसमें आपको 273 ऐड करना है। एक्चुअल वैल्यू उसकी होती है 273.15, बट 273 हम जनरली ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दिया।
लेकिन इसका हमें ऑपोजिट करना हो, केल्विन दिया हो डिग्री सेल्सियस में करना हो, तो हम क्या करेंगे, वो डिडक्ट माइनस कर देंगे 273। ठीक है, चलो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 78.5 डिग्री सेल्सियस है, तो 78.5 प्लस 273, हमने क्या किया 78.5 प्लस 273 इनको ऐड कर दिया, तो 351.7 हमारा क्या आ गया, केल्विन आ गया। मतलब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं तो कितना है 78.5, लेकिन इसी का इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम केल्विन में देख रहे हैं तो कितना है 351.7। और ये जो डिफरेंट टेम्परेचर मेजरमेंट की स्केल्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, अलग अलग स्केल्स होती हैं। अब अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो -117 डिग्री सेल्सियस है, सो -117 डिग्री सेल्सियस आपको लास्ट लाइन दिख रही है, उसमें अगर हम -117 में 273 ऐड करते हैं तो सिंपल से मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि 273 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन के साथ वो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका 156 केल्विन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहो, एंड इफ़ यू कम अक्रॉस एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट टू मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।